Hello guys, good evening. तो अभी मैं आपको कैसे बताऊं? ऑब्वियसली मुँह से बताऊंगा, बट गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। द थिंग इज़ कि आज ही मैंने लाइव लॉन्च देखा होंडा का। होंडा की नई गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, होंडा CB350 RS। सो गाइस, खुशी की बात तो ये है कि हमें एक नई गाड़ी देखने को मिल रही है। तो एस एस CB350 और CB350 जो RS आई है, इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है, बट जो मेजर डिफरेंस कह सकते हैं, दैट इज़ इसका डिज़ाइन। एक जो है वो सॉर्ट ऑफ क्रूजिंग स्पोर्ट्स वे में बनाया हुआ है, और जो ये जो अभी जो RS वाला जो आया है, ये तो टोटली कंटेम्प्रेरी स्टाइल, पूरा स्पोर्ट्स लुक देता है। बट जिस तरीके से इन लोगों ने अपने लॉन्च इवेंट में बात करी कि ये जो गाड़ी जो उन्होंने बनाई है, इट्स ऑल्सो फॉर सेलिंग ऑन द रोड्स, की हाईवे पे क्रूजिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, बट सेम टाइम उसका स्टांस भी थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना क्रूजिंग के लिए वो अच्छी है, बट उसी वक्त उन्होंने सीट्स के बारे में भी बताया कि टक एंड रोल सॉर्ट ऑफ जो उन्होंने सीट का डिज़ाइन दिया है, देखने में तो बहुत ही कम्फी लग रहा है, बट अभी तो टेस्ट राइड के बाद ही पता चलेगा कि क्रूजिंग में कितना मज़ा आएगा, बैठने में कितना कंफर्टेबल है। तो ऑब्वियसली खुशी की बात तो है, खुशखबरी तो है कि होंडा की एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है और दिखने में मुझे बहुत अच्छी लगी। डिज़ाइन के बारे में अगर अभी हम बात करें तो उसका जो टैंक है, दो कलर्स देखें जहाँ तक मुझे आइडिया है, एक रेड था एक येलो था। रेड के ऊपर यू नो ब्लैक ऐसा एक डिज़ाइन है और येलो के ऊपर भी एक ब्लैक सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन है। मुझे दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया है, मस्त बाइक बनाई है। उसका एग्जॉस्ट का जो लुक है, अभी तक मैंने उसका एग्जॉस्ट सुना नहीं है। जितने भी यूट्यूब चैनल्स में मैं देख रहा हूँ, सब लोग उस लॉन्च इवेंट को होंडा के यूट्यूब चैनल से कॉपी पेस्ट करके रिकॉर्ड करके अपने वीडियोज़ में डाल रहे हैं। आई मीन दिस इज़ नॉट द मतलब ये एथिकली अच्छा नहीं है यार, तुम किसी और का कंटेंट रिकॉर्ड करके अपने मतलब कुछ भी हो जाए यार, तुम्हारी ऑडियंस ज़्यादा है, तुम्हारे फॉलोवर्स ज़्यादा है, होंडा के नहीं हैं, सो वॉट। ओरिजिनलिटी जो कंटेंट जो क्रिएट कर रहा है, मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट करना अच्छी बात नहीं है यार। मतलब ऐसा ही है तो वीडियो बना दो और लिंक प्रोवाइड कर दो अपने व्यूअर्स को होंडा के यूट्यूब चैनल की, होंडा के यूट्यूब वीडियो की, तो वो लिंक के थ्रू बाकी लोग देख सकते हैं। तो मैं जिस लॉन्च इवेंट की बात कर रहा हूँ, आज वो लॉन्च हो चुका है, उसका जो वीडियो है और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर दूंगा और लिंक भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके लाइव इवेंट देख सकते हो। तो जहां तक हम डिज़ाइन की बात कर रहे थे, तो दो कलर्स मैंने देखे, येलो एंड रेड, मेरे को दोनों बहुत ही अच्छे लगे। उसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है, अंडर लाइट जो टेल लाइट है, और बाइक का जो साइड में स्पेशली जो हाईनेस वाला जो एक साइड में जो लोगो होता है ना, मुझे बहुत ही कुछ खास नहीं लगा, बट इसका जो लोगो है ना, अरे यार मस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा लोगो, स्पेशली दैट इज़ RS। थोड़ी मेरी मेमोरीज भी हैं RS वर्ड्स के साथ, समझ जाओ। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब देख के गया, मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, मुझे उसका पीछे का टेल लाइट, स्पेशली बाइक का जो रियर डिज़ाइन है, वो हिमालयन जो है ना हमारी आरी का, आरी हिमालयन में कैसा टेल लाइट दिया हुआ है, एकदम यू नो रेक्टेंगुलर शेप का, कर्व्ड रेक्टेंगुलर, उसी सॉर्ट ऑफ एक शेप दिया हुआ है RS के अंदर भी। अभी आप बोलोगे कि दुख की बात क्या है, तो गाइस दुख की बात ये है कि अभी कंफ्यूजन बढ़ गया है, आरी कॉन्टिनेंटल ली जाए, इंटरसेप्टर ली जाए, डोमिनार 400 ली जाए, या फिर CB350 हाईनेस या CB350 RS, तो बहुत कंफ्यूजन हो गया है। तो ये जो कंफ्यूजन जो बढ़ गया है ना, ये एक बुरी बात हो गई है। बाकी न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छी है, 350cc की गाड़ी है, हाईनेस से ऑलमोस्ट सेम है, उसका डिस्क ब्रेक और ट्विन शॉक एंड सीसी टॉर्क, सिंगल सिलेंडर, 5 गियर बॉक्स, सब कुछ, मतलब मान के चलो 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली थिंग इज़ कि जो गाड़ी का डिज़ाइन है, उसमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दिया गया है। हाईनेस के अगर रियर व्यू को देखोगे और अगर आप RS के रियर व्यू को देखोगे, ज़मीन आसमान का अंतर है, और काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं गाड़ी के आगे, जैसे कि हेडलाइट के आगे रिंग लगाई गई है, आई डोंट थिंक वो हाईनेस में आपको मिलेगी। काफ़ी सारे नए फीचर्स एड ऑन किए गए हैं, होंडा टॉक कंट्रोल
भी उसमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में इनकलकेट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ उठा के रख दी है, काफ़ी सारे डिज़ाइन चेंजेस, थोड़े बहुत फीचर्स के इम्प्लीमेंटेशन करके गाड़ी को नया निकाला है। तो मैंने सोचा कि आज लॉन्च हुई है तो क्यों ना बात की जाए, तो ये वीडियो इसी के ऊपर था गाइस। तो मैं आप लोगों से दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो गाइस ये कि अगर आपको कोई बोले कि इस RS में आप रेड कलर लोगे या येलो कलर लोगे, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी द कलर चॉइस। सेकेंड क्वेश्चन विल बी RE कॉन्टिनेंटल या फिर डोमिनार 400 या फिर CB हाइनेस या फिर CB RS। बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं मैं इजी कर देता हूँ, थोड़े टेक्स्ट में डाल देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन होगा कलर चॉइस फॉर द RS एंड सेकेंड क्वेश्चन होगा कि अमंग ऑल द बाइक्स आप कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करोगे। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। दिस इज हेलमेट डूड साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मोटो ब्लॉग।